हेलो, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगर आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट अपस्टॉक से खुलवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, आप देख सकते हैं। आपको अपस्टॉक के साथ बहुत सारे फ्री ऑफर्स भी मिलेंगे। अगर आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। मैंने 10 मिनट में एक बहुत अच्छा ट्रेड लिया, केवल 10 मिनट का ट्रेड था। सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट उसकी लर्निंग मैं आपको देना चाहूँगा। मैंने डिवीज लैब बाय किया 3367 पे, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो अराउंड 27 पॉइंट्स का था, और जो मैंने इसको बुक किया है वो 3384.6 पे बुक किया है डिवीज लैब को। एक क्विक प्रॉफिट था, बहुत अच्छा कन्वेक्शन था, इसलिए मैंने इसको क्विकली बुक किया। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे कि क्यों मैंने इसको ट्रेड किया। आइए चार्ट पे देखते हैं। ये मेरा डिवीज लैब का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। मैंने इसको अराउंड इस पॉइंट पे बाय किया 1367 पे। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्यों मैंने वहाँ पे बाय किया और क्या था। एक्चुअली मैं 3360 पे बाई करना चाहता था, बट मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा बाइंग पोजीशन था 3367, और ये मेरा स्टॉप लॉस था 3340 का, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये ब्लैक लाइन मेरी बाइंग पोजीशन थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने इसको बुक किया यहाँ पे 84 पे, राइट। अब मैंने इसको बाय यहाँ पे क्यों किया, फिर से मैं आपको रेक्टेंगल पैटर्न दिखाता हूँ। जो पहली 5 मिनट कैंडल थी, आप देखो एकदम बुलिश हैमर, और इधर अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे इस एरिया में तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। कल के अगर आप चार्ट देखो, ये जोन, अगर आप 11 नवंबर का चार्ट देखेंगे डिवीज लैब का, 1:50 का जो कैंडल बना 5 मिनट में, आप देखो कितना अच्छा सपोर्ट लिया। पीछे भी उसी जगह सपोर्ट लिया, और वहाँ पे उसने कल स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लिया था, उसको बड़ी कैंडल ने तोड़ा था। और कभी भी कोई भी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है, अगर उसको ब्रेकआउट देना होता है तो एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट देता है। तो ये एक देखिए, एक बड़ी बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। अगर आप डिवीज लैब का चार्ट खोलें 11 नवंबर का 9:40 पे देखें तो एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, और उसी जगह पे अगर आपका बुलिश हैमर बन रहा है तो एक ये बुलिश सेटअप आपका हो गया। मेरा बाय ट्रिगर हो गया था, लेकिन अब मुझे बाइंग कहाँ करनी थी, मेरे को बाइंग करनी थी इसके ऊपर की, क्योंकि कल मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जोन, इस जोन में मेरे को बाय करना था, और उसी जोन में मैंने उसको बाय किया। मेरे को बाय करना था 3360 पे, बट प्राइस बहुत ही जल्दी ऊपर भागा, और मैंने वहाँ पे मेरा जो एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर वो 3367 के पास एग्जीक्यूट हुआ, और मैंने इसको यहाँ पे बुक कर लिया। मेरे को इसको बुक करना था 3400 पे, बट मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 3384 का वो हिट हुआ, और मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बनाया। तो ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड था, और मोस्टली सिंपल चीज़ें ही वर्क करती हैं। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें या कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है ऐसा कुछ ट्रेड करने के लिए चाहिए तभी आप प्रॉफिट बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ें भी मार्केट में चलती हैं। अगर मैं और कोई ट्रेड लूँगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ट्रेड वेल।